सो हे गाइस, दिस इज बॉय सचिन, वेलकम बैक टू योर चैनल। यार आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि देखो, इस वाली वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि आपको यार सीटी एग्जामिनेशन प्लस में सीटी एग्जामिनेशन के आपके सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, एग्जामिनेशन कब से कब क्या कैसे हो रहा है, राइट। तो इस वीडियो में मैं दोबारा से यार ये बताना चाहता हूँ आप सभी को, क्योंकि उस बच्चों में उस वाली जो वीडियो थी उसमें काफी सारे कंफ्यूजन थे, जिसके कारण की वजह से मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम यार आपके लेटर एंट्री को भी कवर कर देंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने लेटर एंट्री को कवर नहीं करा था, राइट। सो इस वीडियो में हम इस चीज को भी हम कवर कर देंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यार यहाँ पे मैं बता दूँ, आप जैसे ही इस वाली वेबसाइट पे आओगे, DSU की जो मेन वेबसाइट है, राइट, इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हम, तो यार यहाँ पे आप सभी के पास एक पॉपअप शो हो जाएगा। एंड उस पॉपअप में यार सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपके जो क्लोजिंग डेट है वो। एंड यार यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो है एग्जामिनेशन शेड्यूल आप सभी का आ चुका है, राइट। तो इस वाले को क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो आपके एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। एंड यार यहाँ पे अगर आप एग्जामिनेशन शेड्यूल पर क्लिक करोगे तो इसको न्यू बिल्डिंग में ओपन कर लेते हैं। एंड यार यहाँ पे इस वाली जो वेबसाइट है आपके DSU online.in वाली वेबसाइट, यहाँ पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ये एग्जामिनेशन शेड्यूल, सीटी एग्जामिनेशन शेड्यूल, ठीक है। जैसे यार इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का PDF खुल जाएगा, राइट। तो इस वाली PDF में यार ये अपडेटेड PDF है। एंड यार यहाँ पे आप देख सकते हो यार यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला इसमें लेटर एंट्री भी आ गई है। तो सबसे पहले हम लेटर एंट्री के बारे में ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर लेटर एंट्री के बारे में देखोगे तो इसका जो है एग्जामिनेशन आपके जो सेक्शन है वो कितने अटेंड करने हैं, ए और बी। जैसे कि आप सबको पता है लेटर एंट्री को ए और बी करना था। एंड एग्जामिनेशन जो मोड होगा वो आपका प्रोक्टेड मोड होगा, मतलब कि ऑनलाइन मोड ही होगा आपका एग्जामिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस होंगे। एंड आप सभी को 8 तारीख को एग्जामिनेशन है, ना ही 6 तारीख को एग्जामिनेशन है और ना ही 7 तारीख को एग्जामिनेशन है। इन दोनों में से कोई भी दिन एग्जामिनेशन नहीं है। आप सभी को जो लेटर एंट्री है, सिर्फ और सिर्फ लेटर एंट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ लेटर एंट्री वाले को जो आपका एग्जामिनेशन है वो 8 तारीख को है, 10 बजे से लेकर 10:40 तक, ठीक है। 10 बजे से लेकर 10:40 तक आपका है। लॉग इन टाइम आपको ऑलमोस्ट 9:30 के आसपास आपको लॉग इन टाइम मिल जाएगा, या तो फिर 9:45 के आसपास आपको लॉग इन आ जाएगा। सारी डिटेल्स जो है लॉग इन की डिटेल्स वो आपके ईमेल पे आ जाएगी, रजिस्टर्ड ईमेल जो है आप सभी का, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, वहाँ पे आ जाएगी। एंड हमारी वीडियो पर भी आ जाएगी कि कहाँ से क्या चीज़ देखनी है, राइट। एंड जो एडमिट कार्ड है वो आप सभी का, जैसे 8 तारीख को एग्जामिनेशन है तो ऑलमोस्ट यार आपका 5 या 6 तारीख के आसपास, 7 तारीख के आसपास भी आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका आ सकता है 3 तारीख को, 5, 6, 7 तारीख को, इन तीनों में दिन में से किसी दिन भी आ जाएगा आप सभी का एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें यार इसके कैंडिडेट आपका 1/3 नंबर सभी सेक्शन में करना इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्शन ए में 1/3 नंबर नहीं लाते हो तो सेक्शन बी करने का कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होगी, मतलब चेकिंग हो जाएगी आपका जो रैंक है यार, रैंक ही जनरेट नहीं होगी, राइट। रैंक ही जनरेट आपकी होगी नहीं, और इसके हिसाब से फिर आपका जो है रैंक ही जनरेट होगी तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से यार आपका एग्जामिनेशन करना कि 1/3 नंबर कम से कम तो यार ले ही आओ हर सेक्शन में, राइट, जैसे कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये था आप सभी का, कितना आपका लेटर एंट्री का था, ठीक है। अगर आगे की तरफ बढ़े, अब यार यहाँ पे हमारे पास दो एग्जामिनेशन है, एक CET है और एक CAT है। CET के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जो कि आपका मात्र एक स्टेज का एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, मात्र एक स्टेज का एग्जामिनेशन होने वाला है। सेक्शन ए और सेक्शन बी है, वो सबको करना इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है यार सभी के लिए, चाहे फार्मेसी हो, लेटर एंट्री हो, या फिर आपका कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ हो, फुल टाइम डिप्लोमा हो, कोई भी, ठीक है। आपका जो लेटर एंट्री है उनके तो अलग दिन ही है, इसका जो एग्जामिनेशन है वो लेटर एंट्री वालों से पहले एक दिन पहले होगा, 7 तारीख को, ठीक है। एग्जामिनेशन का जो सेक्शन ए और सेक्शन बी, मात्र सेक्शन ए और सेक्शन बी जो अटेंड करने का टाइमिंग है वो 9:30 से लेकर 10 बजे तक है, ठीक है। इस टाइम आधे घंटे का, मतलब 30 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन आपका हो गया लगभग 60 सेकंड का, मतलब कि एक मिनट का, ठीक है। एक क्वेश्चन एक मिनट में आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो गए। अब ए और बी सेक्शन करने के बाद आप अकॉर्डिंग टू आपका जो कोर्स है उसके हिसाब से फिर एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ए बी सबने अटेंड कर दिया, ठीक है, फिर आपको 12 बजे फिर लॉग इन करना है। जो फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज है, जो 10th वाले बच्चे हैं, 10th वाले बच्चे का उसमें 30 क्वेश्चन होंगे साइंस और प्लस मैथ के, वो 12 से 12:30 का टाइमिंग दिया जाएगा 7 तारीख को, ठीक है। 12 से 12:30 मतलब कि यार यहाँ पे 11 से लेकर 12 बजे का जो टाइमिंग है, इस बीच में आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। 12 बजे फिर आपको लॉग इन करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे 12:30 तक चलेगा, लॉग इन करना पड़ेगा या फिर लॉग इन ही रहेगा वो उस दिन डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि 11 और 12 के बीच में आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, मतलब कि 11 से लेकर 12 बजे तक के बीच में, ठीक है, AM। और यहाँ पे सेक्शन, जैसे कोई फार्मेसी वाला बच्चा है तो सेक्शन डी करना पड़ेगा उसको, 30 क्वेश्चन 2:30 से लेकर 3 बजे तक, मतलब कि 12:30 बजे से और 2:30 बजे के बीच में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, इन सभी के बीच में गैप होगा आपका, ठीक है। वहीं से आपका कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ हो गया, सेक्शन ई जिसका करना है वो 5 बजे आपका फिर से लॉग इन करेगा, मतलब कि ऐसा है कि जो कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ वाले जो बच्चे हैं उनको क्या 9:30 से लेकर 10 बजे तक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, फिर शाम को उनको एग्जामिनेशन देना
देना पड़ेगा 5 बजे से 5:30 बजे तक इस प्रकार से। अब काफी बच्चों ने यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज को यहाँ पे टिक कर दिया, मतलब कि फुल टाइम भी कर दिया, फार्मेसी भी कर दिया है, टेंथ बेसिस भी कर दिया है और कॉस्टोमोलॉजी भी करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा इस केसेस में, आपको सारे सेक्शन अटेंड करने पड़ेंगे A, B, C, D, E जो कि तीनों सभी के लिए, जो कि सभी सेलेक्ट करे, ठीक है। यहाँ पे अगर जिसने सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी करा है तो उसको ए बी और डी करना पड़ेगा, और जो फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज वाले हैं उनको ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। ये था आपका सीईटी का पैटर्न। अब सीएटी के पैटर्न में कर चलते हैं। सीएटी का पैटर्न हमें पता है कि आपका दो स्टेजेस में हो रहा है, ठीक है, दो स्टेजेस में हो रहा है। तो इसका जो पैटर्न है ये जस्ट नीचे है सेकंड पेज पे, ये कौन सा पैटर्न है, ये आपका सीईटी का है, ठीक है, सीएटी का है, सॉरी सीएटी का पैटर्न है, जिसमें कि दो स्टेजेस में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। स्टेज वन में आपका ये होगा ऑनलाइन मोड और ये होगा आपका ऑफलाइन मोड, ठीक है। ऑफलाइन मोड मैं बता दूं 12 तारीख को है और ऑनलाइन मोड आपका 8 अगस्त को है, मतलब कि जो डिप्लोमा वाला है सीईटी के नेक्स्ट दिन, ठीक है। यहाँ पे जो 8 अगस्त को पेपर है वो 2 बजे से लेकर 2:40 तक चलेगा, आपका 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 15, 10, 15 इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ए, बी और सी। सारा जो एग्जामिनेशन होगा ये ऑनलाइन मोड होगा, ये इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के आप दे सकते हो, बस इंटरनेट कनेक्शन ठीक होना चाहिए आप सभी का। लेकिन स्टेज टू का जो है यहाँ पे ऑफलाइन मोड होगा, जो ऑनलाइन स्टेज वन में आपका पास होगा, जो डिजाइन कोर्सेज वाले कोर्सेज है, जैसे अप्लाइड आर्ट्स आपका ड्राइंग गया, ठीक है, ये आर्किटेक्चर होगा, बीए डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन होगा, ठीक है, इस प्रकार के जो कोर्सेज हैं इन्हीं का सर सिर्फ दो स्टेजेस में एग्जामिनेशन हो रहा है, जो कि है सीएटी, ठीक है, सीएटी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यार यहाँ पे इसमें भी सेम रूल है, 1/3 नंबर आपको हर सेक्शन में कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपका रैंक जनरेट होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो इस चीज में जो 8 अगस्त वाले में पास हो जाता है उसी का 12 अगस्त को पेपर होगा, नहीं तो नहीं होगा ऑफलाइन, ठीक है। तो ये था कुछ डिटेल्स। अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स कब तक आ जाएगा भैया, अब रिजल्ट्स यार देखो यहाँ पे 8 तारीख को एग्जामिनेशन खत्म हो रहा है और यहाँ पे 12 तारीख को फिर सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन है, मतलब कि 8 के बाद हमारे पास कितना टाइम बचता है, 8 के बाद बचता है 9, 10 और 11, ठीक है, और फिर 12 तारीख को यहाँ पे एग्जामिनेशन है ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे एग्जामिनेशन है 12 तारीख को। तो हमारे पास जो रिजल्ट है यार इसी 3 दिन के दौरान आ जाएगा, किसी दिन भी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपका कब रिजल्ट आता है, ये 3 दिन ही के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा आपका सभी का, डिप्लोमा वालों का भी और सीएटी वालों का भी, सीईटी वालों का भी और लेटर एंट्री वालों का भी, इन 3 दिनों में अंदर ही अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कुछ जो कि आप सभी को बतानी जरूरी थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, राइट। तो ये थी आपकी वीडियो, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, एंड कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो उसमें। तब तक ले चलते हैं बाबा, टेक केयर, स्टे हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, जो आपका यार सीईटी और सीएटी के प्रिपरेशन है उसमें एडुगुरु चैनल को फॉलो करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको है। बाय बाय, टेक केयर।